है आरजे निधीश के साथ। निधीश के साथ ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। धरती है तो आकाश है, हम है तो तुम है, प्रश्न है तो उत्तर है, यानी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसलिए अगर हार भी होती है तो कभी जीत भी होती है। तो अगर सिक्के के दो पहलू हैं तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कब हुआ था आपके साथ में वो वाकया जिंदगी में जब आप जीत के निकले अपनी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के जरिए? तो ऐसे ही बताने के लिए हमारे साथ एक कॉलर इस समय ऑनलाइन है, जाइए जरा उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार निधि जी, मैं महावीर भारती मूर्तिकार जी। महावीर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस निधि जी बढ़िया, अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार। बहुत अच्छा टॉपिक लिया, मेरे को भी मेरे जो भी जीवन के वर्तमान थे उसमें एक हिस्सा जो आ रहा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, बताएं। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। मैं जयपुर बेस्ड हूँ, मेरे स्टेचू का काम है जिसमें मेटल मार्बल स्पीचर की प्रतिमा बनाती है। तो अभी पीछे 3 साल पहले की बात है, मैं पहले किसी के साथ में काम कर रहा था, तो वहां से कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मेरे को अचानक अलग काम करना पड़ा और वो मेरे जीवन का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। मैं इस स्टेज पे आ गया था कि मेरे को वापस जीरो से स्टार्टिंग करना था। लेकिन मैंने ये हिम्मत की थी कि मैं करूंगा। मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना मेरे पास फाइनेंशियल थी, ना मेरे पास वर्क भी था। एक काम था, उसके दम पे मैंने काम स्टार्ट करने की सोची और मेरे स्टूडियो का मैंने सेटअप शुरू किया, घर वालों से बातचीत की और की। बिल्कुल कुछ नहीं था मेरे पास, आप ये मानो 3 साल पहले। मैंने दोबारा से जीरो से स्टार्टिंग करके इसको काम को आगे बढ़ाया और धीरे 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 कारवां जुड़ता गया। एक काम मिला, फिर मेरे पास जो पहले जो टीम थी, जो पुराने वाले हमारे साथ में काम करी थी वो वापस जुड़ी, आर्टिस्ट साथ में, कुछ अच्छे दोस्त साथ में। उन्होंने मेरे को नीचे नहीं गिरने दिया, मतलब उन्होंने जैसे मेरे को तन मन धन से वो मेरे साथ में आए, बोले आप चिंता मत करो हम आपके साथ में है। तो उन्होंने जो मेरे को मॉरल सपोर्ट दिया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें परिवार ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और आप ये देखो कि जो 3 साल में मैंने आपसे लेके अब तक जो मैंने मूर्तियों का निर्माण किया, इतना मैंने पिछले 15 साल के करियर में नहीं किया था मैंने। और वो भी हाँ, एक्स जो मेरा जो पार्टनर था उनके हम दोनों ने मिलके नहीं किया, लेकिन मैंने 3 साल में इतना किया दिन रात करके कि हमने एक कीर्तिमान हो गया एक तरह से, आप ये मानो। फैंटास्टिक। यही है कि हाँ, मन के जीते मन जीते मन के हारे हार। तो ये चीजें हम सभी को जो आने वाली युवा पीढ़ी है कि हमें हार नहीं मानी है। हमारे पास कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी माहौल में हो, किसी हम जगह पे हो, हम कहीं से भी वापस शुरुआत कर सकते हैं जिंदगी की। फैंटास्टिक। और आपने जो मूर्तियां बनाई होंगी मुझे लगता है कि उसमें भी उसी दृढ़ संकल्प के दर्शन होते होंगे, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने महाराणा प्रताप को मैंने प्रेरणा स्रोत बनाया जिन्होंने संघर्ष से अपनी जीत हासिल की। आज उनको सभी पूरी पीढ़ियां हैं जो दशकों तक उनको याद रख रही है। उनकी प्रतिमा बना रहा हूं, बनाई मैंने जो अभी जल्दी अयोध्या में स्थापित होगी, द्वारका जी में लगेगी, बौद्ध गया में लगेगी। राजस्थान की सबसे बड़ी तलवार मैंने बनाई क्योंकि राजस्थान अपना वीरता और शौर्य का प्रतीक है, इसलिए हमने राजस्थान की सबसे बड़ी मैंने 21 फीट की तलवार बनाई। फैंटास्टिक, बहुत सुंदर। और कई प्रतिमाओं का निर्माण किया। बहुत बढ़िया महावीर जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा है कि 15 साल के अपने करियर में आपने जो नहीं किया वो पिछले 3 साल पहले जब आप जीरो पर आ गए थे एक तरीके से, उसके बाद में फिर उठे हैं और जो उठे हैं फिर उठते चले गए हैं, फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं वो बैठ जाना आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो महावीर जी अपने 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 अंदर के महावीर को जगाया, हनुमान को जगाया और उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी चीज़ें जयपुराइट्स के साथ में, हमारे श्रोताओं के साथ में, और श्रोता हमारे केवल महावीर जी आपको भी जी। और सबको मैं बता दूं कि आप हमारे श्रोता केवल जयपुर से संबंधित नहीं है, न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन के जरिए हिंदुस्तान भर में आप कहीं भी अपने मोबाइल पर बस न्यूज ऑन एयर टाइप कीजिए और उसके बाद में एप्लीकेशन खुलेगी VBS जयपुर से, आप हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो वी आर नेशन वाइड, हो सकता है कोई कन्याकुमारी में हमें सुन रहा हो, कोई कर्नाटक में, कोई असम में, पश्चिम बंगाल में हमें सुन रहा हो, कोई कश्मीर में हमें सुन पा रहा हो। सो जो हमारे श्रोता हैं उनको आपके जरिए बहुत अच्छी जानकारी मिली है और उत्साहवर्धन भी हुआ है। तो थैंक यू महावीर जी फॉर कॉलिंग अस, आपका बहुत धन्यवाद। सो भाई इन्होंने तो हमें बता दिया है, आप चाहे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 2200700 2200800 यानी 2200।